संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित इस फिल्म को केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र मिला है और इसका रन टाइम 203 मिनट है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। संदीप रेड्डी वांगा की अपराध गाथा एनिमल सिनेमाघरों में आ गई है। रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और रश्मिका मंदाना द्वारा अभिनीत यह फिल्म मेघना गुलजार की सैम बहादुर के साथ रिलीज होगी। लेकिन सिनेप्रेमियों के बीच इसके प्रमुख कलाकारों की लोकप्रियता को देखते हुए उम्मीद है कि फिल्म इस सप्ताह के अंत में बॉक्स ऑफिस पर बढ़त ले लेगी। एनिमल एक अमीर उद्योगपति बलबीर सिंह, अनिल कपूर के बेटे अर्जुन सिंह, रणबीर कपूर की कहानी है, जो अगर कोई उसके पिता को चोट पहुंचाता है तो दुनिया में आग लगाने के लिए तैयार है। दोनों के बीच जटिल रिश्ता तब चरम पर पहुंच जाता है जब कोई उसके पिता पर हमला कर देता है। फिल्म में बॉबी देओल को अर्जुन का दुश्मन दिखाया गया है, जबकि रश्मिका मंदाना ने रणबीर की पत्नी का किरदार निभाया है। फिल्म को केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र मिला है और इसका रन टाइम 203 मिनट है। द हिंदू के साथ हाल ही में एक साक्षात्कार में वांगा ने कहा कि एनिमल पर पहला कट लगभग 4 घंटे का था। एनिमल का पहला कट 3 घंटे 45 या 46 मिनट का था। मैंने 3:21 बजे तक काटा। मैंने फिल्म कई बार देखी है और यह एक आकर्षक फिल्म है। रणबीर एक बेहतरीन कलाकार है और वह दर्शकों को एक पल के लिए भी आराम नहीं करने देंगे। हालांकि ऐ सर्टिफिकेट और 3 घंटे से अधिक अवधि के बावजूद एनिमल को बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत मिलने की उम्मीद है। बॉलीवुड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए टॉप बॉलीवुड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।